अरे यार ट्वीट किया इनको, इनको सब पता है चले। यस सो प्यारे प्यारे बच्चों एक नया बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत मजा आएगी। मतलब आप कहोगे कि सर 8:40 नहीं आप 9:40 तक पढ़ाइए, ठीक है चलिए पढ़ते हैं। द चैप्टर इज रिएक्शन मैकेनिज्म। नेम ऑफ द चैप्टर इज रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है ध्यान से पढ़े, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और केमिस्ट्री के 60% क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है हाँ। चलिए अब हम जब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमेशा दो स्पेसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है, ठीक है। तो लिखिए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, एक तो होता है होमोलिसिस और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस, ठीक है चलिए हेडिंग डालिए। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं होमोलिसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? होमोलिसिस। जैसे समझो, जैसे समझो ये वाला एसी मैं और प्रशांत सर मिलके ले आए। किसने कौन कौन लेके आए मिलके? मैं और प्रशांत सर मिलके ले आए एसी। और जाहिर सी बात है अगर 40 की है तो 20 सर ने दिया होगा, 20 मैंने लगाया होगा हम लोग, ठीक है। सर ने कहा कि यार एसी लानी, 20 हमने ले लो, 20 हम लोगों ने 20-20 मिलके 40 की एसी ले आई। अब कल को मेरा मन किसी बात पे बिगड़ गया, अब मैंने कहा कि या तो मैं एसी का इंडोर लेके चला जाऊँ या तो एसी का आउटडोर। तो मैंने कहा चलो यार मजा नहीं, मेरे रूम में जो है एसी खराब हो गया, अब मुझे इसका इंडोर यूनिट लेके जाना है। तो प्रशांत सर क्या कर लेंगे, हालांकि मालिक है हमारे, बट आप समझिए प्रशांत सर और मेरी पावर बराबर वैसे है नहीं, बट फिर भी मान लीजिए, मान लीजिए। तो अच्छा एक बताइए, तो मैं पूरी एसी लेके जा पाऊंगा क्या? कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी ले जा सकता हूँ? आधा, मतलब आधा पार्ट इंडोर यूनिट लेके चला गया। चलो क्या मैं प्रशांत सर की आउटडोर यूनिट में से पंखा लेके जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है। अच्छा प्रशांत सर कहीं मन कर गया कि नहीं यार मुझे लेके जाना है, तो क्या मैं आधे आधे हिस्से पे मैं उनका कुछ रोक पाऊंगा? नहीं। चलो मैं और पावनी मिलकर हमने एसी करता, दूसरी कंडीशन मैं और पावनी मिलकर के एसी कर दे। आप एसी लगा, अब पावनी कह रही सर गर्मी लग रही घर पे, मुझे इंडोर यूनिट लेके जाना है। ले क्या नहीं? एक सेकंड, हेलो क्लास में हो, ठीक है। तो पावनी नीचे जाके सबसे क्या कहेगी, सर ने मेरी एसी छीन ली, ये कहेगी तो पावनी बेइज्जती होगी कि नहीं? पावनी कमजोर है, उसकी सर ने एसी रख ली, पावनी दुनिया क्या बताएगी? मैंने सावन सर को एसी दान कर दी। अब दुनिया में ये बड़ा, ये बहुत महान काम है, पॉजिटिव एटीट्यूड इसका निकला बच्ची का कि, और मैं अगर नीचे गुजरूंगा तो मैं छिप के निकलूंगा कहीं पावनी देख ना ले, हो सकता है कोई खड़ा हो, तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, मैं कैसा हो गया इसकी नजर में? निगेटिव। तो समझ में आया, इसको कहते हैं हेट्रोलिसिस, चीज इनकी थी और रख हमने ली, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, पहले प्लीज भी रख लेते। वेन ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, वो तो मेरी चीज है, टू एटम्स ब्रेक
when a covalent bond between two atom break symmetrically, कैसा? किसी को गर्मी तो नहीं लग रही है? No sir. To give free radical, then it is called homolysis. It is called homolysis. Yeah, homolytic bond fission. Homolytic bond fission. Not really. ठीक है, अब यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ फ्री रेडिकल. चलिए देखते हैं कैसे हुआ. करें आगे बढ़े? नहीं सर. ठीक है, हो गया. थोड़ी सी चला गए इसी थोड़े देर के लिए. चलिए आगे बढ़े. जैसे एक स्पेसीज है ए के बीच बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ऐसे टूटा ऐसे, तो क्या बना? ए और बी. फॉर एग्जांपल क्लोरीन के पास ये, सिर्फ मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहा हूँ? ये टूटा और यहां पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना. अच्छा एक बात बताना, इस क्लोरीन के बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल कितना हो गया? 17. अठारह. ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दैट इज जीरो. दोनों की ताकत बराबर है. क्या है? दोनों की ताकत बराबर है. अच्छा ये जो स्पेसीज बनी, ये दोनों है क्या? कहेंगे सर फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल क्या होती है? ऐसी स्पेसीज जिनके बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. कितने हो? 7. क्लोरीन के 7 दिख रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, दिस इज फ्री रेडिकल. स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए? 8. हो गया. yes. चलिए हेडिंग डालिए. होमोलिसिस की क्या फेवरेबल कंडीशन है? हेडिंग डालिए फेवरेबल कंडीशंस. बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, आप मजा आ जाएगा. देखिए इट अकर्स इन गैसियस मॉलिक्यूल्स मेनली. ठीक है, तो होमोलिसिस जनरली क्या कौन देता है? गैसियस मॉलिक्यूल देते हैं, लाइक अभी आपने देखा था Cl2, राइट. दूसरा पॉइंट लिखिए हेल्पर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेट्रा एथाइल लेड. ठीक है, मतलब C2H5 का होल 4 PB टेट्राएथाइल लेड एंड कॉमा डाई एजो मीथेन. CH2 ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स
होमोलिसिस। अब ब्रैकेट में लिख लो हेल्पर, ठीक है हेल्पर। हीट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट परऑक्साइड एंड जो है टेट्राटाइल मतलब रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्या करते हैं, क्या फेवर करते हैं, होमोलिसिस। जनरली आप समझिए कि फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए जितने भी कंडीशंस होती है वही सेम कंडीशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब देखिए सनलाइट कर रही है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड कर रही है, हाई टेम्परेचर कर रही है, और ये देखिए ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है टेट्राएथाइलेट और डाईएजो मिथेन, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए पॉइंट नंबर थ्री। देखिए इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सोल्यूशन, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस किसमें होता है, नॉन पोलर सोल्यूशन में, प्लेस इन सोल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी होमोलिसिस, ठीक है। अब जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, जैसे ईथर, ठीक है, टेट्राक्लोरो CCl4, ईथर लिख लो ROR CCl4 या फिर CS2 एक्सेट्रा, जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, वो सारी स्पीसीज क्या होती है, नॉन पोलर, ठीक है। चलिए देखिए अगला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी जीरो बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। मैंने पहले ही यही कंडीशन लिखवाई थी जब मैं रिएक्शन लिख रहा था, तब सबसे पहले यही लिखा हुआ था, ठीक है ठीक है। या तो मस्ट बी क्या होनी, जीरो और लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली लाइक 0.9, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हमने क्लोरीन का किया था ना, ठीक है। देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल का ट्रीटमेंट किसके साथ किया, मीथेन के साथ, तो हमको क्या मिला, मीथेन कार्बोकैटायन, क्या मिला, सॉरी मिथाइल फ्री रेडिकल, क्या मिला, मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल, नोट करिए। और साथ में क्या मिला, HCl, ठीक है। जैसे अभी हो गया, समझ आया, अब जैसे यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट किया HBr का ट्रीटमेंट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ROOR, मतलब देखो ROOR मतलब इनके बीच में कैसा लिंकेज है, परऑक्साइड, कैसा परऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। तो ये कैसा क्या प्रमोट करेंगे, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या बना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्री रेडिकल फेवर्स होमोलिसिस, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्री रेडिकल फेवर होमोलिसिस। बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है, चलो चलिए एक मिनट। अरे इसकी जगह तो तुम H2O2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो,
आगे बढ़ जाएं, H2O2 दिखाओ, H-O-O, देखो peroxide linkage, ठीक है, फिर ग्रीन डालिए, hydrolysis, ग्रीन डालिए, hydrolysis, देखिए when a covalent bond between two atom, when a covalent bond between two atom breaks unsymmetrically, जैसे टूटे unsymmetrically like A B, ये क्या बना है आयन, ये कैटायन, ये एनायन, ठीक है, तो लिखिए डालिए उनकी फेवरेबल कंडीशंस, क्या है इनकी फेवरेबल कंडीशंस, सबसे पहले लिखिए इट अकर्स इन सॉल्यूशन ऑफ पोलर सॉल्वेंट मेनली लाइक वाटर, एल्कोहल, ये सब क्या होते हैं पोलर सॉल्वेंट होते हैं, अच्छे पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नोट करिए, ठीक है, दूसरा इज प्रेजेंस ऑफ एच आयन, ओएच आयन, लुईस एसिड फेवर इलेक्ट्रोलिसिस, लुईस एसिड क्या होते हैं, ऐसे स्पेसिस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, लाइक BCl3 इज अ लुईस एसिड, AlCl3 इज अ लुईस एसिड, समझ में आ रहा है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो की नॉट जीरो, क्या बात है, इतने तेज, जितना ज्यादा दो स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी तेजी से हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, तो लिखिए नहीं हो रहा था, नोट कर लीजिए, हायर द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हायर विल बी हाइड्रोलिसिस, ठीक है, लाइक HBr, हाँ तृप्ति क्या हो गया बेटवा, क्या हो गया बेटा, क्या कम कर दे बेटा, स्पीड कम कर दे, ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं क्या, ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा, अब जैसे ये देखिए यहां पर आपने क्या लिया, यहां पर एक फर्स्ट कंडीशन है, इसी तरीके जिसे मान लिया क्लोरीन है, क्लोरीन है, और इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ लिखिए AlCl3, अच्छा AlCl3 भी हम लोगों ने बात की थी, क्या था लुईस एसिड, तो क्या करेगा होमोलिसिस की हेट्रोलिसिस, एक क्या बनेगा क्लोरोनियम आयन और दूसरा क्या बनेगा क्लोराइड आयन, दिस इज क्लोरोनियम आयन और दूसरा क्या है क्लोराइड आयन, ठीक है, नोट करिए, ठीक है, अगला है एल्कोहल CH3CH2OH, और जब आप इसकी क्या कराएंगे हेट्रोलिसिस, ये टूटेगा CH3COO- और H+, ठीक है, इसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आपने एसिडिक मीडियम मतलब आयन की कंसंट्रेशन एसिडिक मीडियम, तो क्या हुआ यहाँ पे आएगा CH2+ और CH2- मतलब ये बॉन्ड कैसे टूटा हाइड्रोलिसिस, दोनों नहीं टूट रहा है, ऐसा
एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी प्यारे बच्चों को? समझ में आ रहा है? पीछे पीछे टर्न कर दे पेज, डन। देख लो बेटो आपको छोटा है क्या? आगे बढ़े, ठंड लग रही है क्या? ठीक है, ठंड लग रही है। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट आप शुरुआत हो रही है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, दैट इज रिएक्शन इंटर इंटरमीडिएट। अब देखिए आपकी लाइफ में हम लोग क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। आज की आपकी जो यहाँ की सिचुएशन है ये इंटरमीडिएट सिचुएशन है। अब आपकी कॉलेज या स्कूल जाने का पोटेंशियल ज्यादा या मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का पोटेंशियल ज्यादा? तो आप कोचिंग ज्वाइन क्यों करते हो, वापस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए? राइट, मतलब इंटरमीडिएट मतलब कोचिंग आना स्कूल से ज्यादा बेहतर क्यों हो गया? मतलब कोचिंग ज्वाइन करना है स्कूल क्योंकि स्कूल से बेहतर स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पे काम हो रहा है, तभी तो आप यहाँ पे आ रहे हो। स्कूल के होते हुए भी, स्कूल के होते हुए भी अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमने स्टैंडर्ड्स को काफ़ी ऊपर रखा है, जो आपके एग्जाम के लेवल, जो जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लेवल पे हम आ रहे हैं, ताकि आपको लग रहा है कि यहाँ से हम पार उस पार जा सकते हैं, राइट। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा किसमें, मतलब इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतनी तेजी से रिएक्टेंट क्या क्या आएगा, रिएक्शन क्या आ जाएगी आगे की तरफ, समझ रहे हो? कोचिंग जितनी अच्छी होती जाएगी बच्चा उतनी तेजी से कोचिंग आएगा, उतनी जल्दी कहाँ जाएगा, समझ गए? चलो यही है रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सबस्ट्रेट है, क्या है, जैसे आप सबस्ट्रेट हो, अपने आप को आप क्या मानो, सबस्ट्रेट, ठीक है। और इसके बाद सिचुएशन आती है रिएक्शन इंटरमीडिएट की, ये हम है, मतलब आप इस समय आपकी कंडीशन है। और इसके बाद भैया प्रोडक्ट बनता है, दिस इज जनरली दिस इज एंडोथर्मिक, किसके कॉल आ रहा है बता दीजिए, आज 9:30 बाद ये अच्छा था, एक और से है, एक बस भी ले लेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, हाँ अब की बार जब बहुत सारी फीस आएगी तो सीधे क्या कर देंगे, एक बस खरीद लेंगे, कर दी छोटी बात, मतलब मैं छोड़ने जा रहा हूँ तब भी किराया लूंगा यार। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, बड़ी बातें करिए, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, पहली बात। दूसरी बात स्टेबिलिटी, आप कोचिंग उतनी तेजी से ज्वाइन करेंगे जितना ज्यादा आपका करियर सिक्योर होगा। मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच के आपकी लाइफ सेटल होगी कि नहीं होगी, तो जितनी तेजी से वहां सेटलमेंट उतनी तेजी से आप क्या करोगे, कोचिंग आएंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required, amount of energy required
हेलो हेलो। मैं जियो में भी घर वाले मिस कॉल मार रहे हैं। अब देखो ये हमारी बात। हेलो ठीक। कह रहे थे घर में प्याज खत्म हो गई, आते हुए ले आना, समझ रहे हो। आप सोचिए, आप लोग के चक्कर में मेरे घर में खाना नहीं बन रहा। सर दुकान बंद हो जाएगी। अरे बंद हो जाए, आपसे जरूर आपसे जरूरी है कुछ कहाँ है क्या है? अरे एक दिन बिना प्याज के खाएंगे घर वाले? खाना नहीं बनेगा कल, बड़ा नहीं खाएंगे। प्याज के बिना बन जाता है। प्याज के बिना? अरे बात सुनो बेटा, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। थोड़ा सा थोड़ा सा पांच मिनट। अब एक बार बताइए, अब एक बार बताइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं महान फील करता हूँ। कारण क्या है? अगर आपके परिसर की फीस बहुत ज्यादा होती तो आप कोचिंग पढ़ पाते? कुछ लोग पढ़ पाते, ज्यादातर लोग नहीं पढ़ पाते। आपके परिसर ने फीस हिसाब से रखी है ना? अच्छी फीस रखी है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कम रखी है, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कुछ लोग अब इसमें भी संतुष्ट नहीं है, इस फीस में भी संतुष्ट नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, जितनी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उतनी तेजी से रिएक्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट सिचुएशन में आएगा, उतनी तेजी से वो प्रोडक्ट बनेगा। इसी बात पे जिसकी जिसकी फीस बची है भेज दे। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने जा रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने जा रहे हैं, दैट इज फ्री रेडिकल। क्या फ्री? ये फ्री नहीं है, दैट इज फ्री रेडिकल। केमिस्ट्री में भी चीजें फ्री में मिल रही है, फ्री रेडिकल। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि होमोलिसिस सिचुएशन में चीजें क्या होती हैं, क्या होमोलिसिस हमेशा फेवर करता है क्या फ्री रेडिकल्स को? तो सबसे पहली बात देखिए, जैसे ये मीथेन, ये मीथेन। हाँ, अरे आप लोग घर से कुछ ले वे क्या है करिए? सर कल लाएंगे कंबल। अरे बेटा खाने, तुम यार क्या है भाई, यहाँ सोने के इंतजाम करने लगते हैं। ठीक है, चलो करें इसको। yes. ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह गया ना, पावर। ठीक है, चलो दिस इज क्या पढ़ा था, मेथाइल फ्री रेडिकल। अच्छा, इस ये मेथाइल है, इसकी जगह एथाइल लगा होता, इथेन होता, प्रोपेन होता, तब भी बात वही होती, दैट इज एथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बेटा बच्चों, इतना तो मैं आप लोगों को इजी इजी पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को बल्कि ऐसा फील करना चाहिए कि आपको लाइट फील होना चाहिए ना, ऐसा लग रहा है हील हो रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, एटम और ग्रुप, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड मस्ट हैव एन ऑड इलेक्ट्रॉन, दीज आर फॉर्म्ड बाय होमोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, होमोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन
गैसियस मॉलिक्यूल। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए, मतलब कहने का ये मतलब है कि स्पेसीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए, इसके बाहरी शेल में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके साथ साथ जो है ये होमोलिसिस के द्वारा बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जो है ब्रेक होता है, और ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, जनरली गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे आपने ना मिथाइल देखा था, मिथाइल फ्री रेडिकल, तो भैया गिनो गिनो, दो 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 और ये एक, कितने इलेक्ट्रॉन, सात, कितने इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब इधर देखो क्लोरीन, यहाँ देखो, अरे देखते जाओ पहले, पहले देख लो तो तुमको थोड़ा अमाउंट आ जाए। इस क्लोरीन को देखो, एक पेयर लोन पेयर, दो पेयर लोन पेयर और तीन लोन पेयर, और एक क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, सात, कितने हो गए, सात, मतलब तीन लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां तक सब समझ में आ गया, आगे बढ़े, बस 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 तीन मिनट, बस तीन, अरे तीन मिनट, आठ तेरह बच्चों, आठ बज के, आठ बज के तेरह मिनट हो रहा है, तीन मिनट और, ठीक है। बस आप देखो देखो देखिए, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल्स। सबसे पहला लिखिए, कार्बन आर कार्बन हैव, देखो देखते रिक्वायर हो गए लिखवाओगे, हैव सेवन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इनकी बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सात, आपके काम का सिर्फ इतना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही आगे फिर से, टेट्रा एथाइल लेड, फिर लिखिए ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्री रेडिकल फेवर्स इट्स फॉर्मेशन। अब इधर देखिए, आप लिखिए हेल्पर, क्या लिखिए, लिखिए हीट, लिखिए इलेक्ट्रो, बस दो पॉइंट और है, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। लाइट, अब लाइट में क्या हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो सकती है, कोई भी रेडिएशन हो, पर ऑक्साइड, और यहाँ पर रेडिकल्स, क्या रेडिकल्स, ये फेवर करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इनके पास मिथाइल फ्री रेडिकल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ऑड, और कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या बिहेवियर शो करता है, मैग्नेटिक, पैरा, कौन सा, पैरा मैग्नेटिक, डीएनएम ब्लॉक में भी पढ़ा होगा और कई बार केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है हम लोगों ने, तो ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। अगला पॉइंट ये, सर 3 मिनट हो गए बेटा, बस दो पॉइंट है बेटा, कुछ नहीं है सर, चलो चलो बच्चों, बात बहुत करते हो तुम लोग, हो गया, हो गया सर। अगला लिखिए, तीसरा इज, दीज आर पैरा मैग्नेटिक, वैसे तो ऐसे लिख लीजिए, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, नेचर कैसा होगा इनका, पैरा मैग्नेटिक। लिखिए अगला इज, कार्बन इज sp2 हाइब्रिड डाइज्ड विद ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 में पिरामिड होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री।
अब देखिए कार्बन जैसे एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो तो 120 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है ना, मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें चाहे इधर इलेक्ट्रॉन मानो चाहे इधर मंगा लो, मतलब ये पेयर है कि अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, ठीक है। तो लिखिए दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन प्योर पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है। अभी से लीजिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री के कितने, 120 डिग्री कितने, तीन, ठीक है। चलो बस पांचवा पॉइंट आपकी प्रेजेंस, आप आधी कॉपी फोल्ड कर लीजिए, मॉलिक्यूलर आधी कॉपी फोल्ड कर लीजिए, जूते होते बांध लीजिए, ठीक है, डब्बा पर टिफिन उफिन लाया बांध लीजिए, धीमा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, आपको बताया नाम से ही समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज ओ टू को अगर हम ले रहे हैं तो ये तो नॉन पोलर है ना, तो नॉन पोलर, ठीक है। थायो अल्कोहल आर एस एच दे रिटार्ड इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। देखो सत्यम को मैंने पहले ही बता दिया था, देखो सत्यम तैयारी में लग गया, ठीक है। तो आपका सेशन खत्म हो गया आज का, आप लोग कल मिलिए, थैंक यू।